प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। रोजगार खबर संध्या काल में आपका स्वागत है। यहाँ पे गलत लिखा गया, संध्या काल है और संध्या काल के समय की जो महत्वपूर्ण खबरें हो सकती हैं लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आज 16 जून है और 16 जून की कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम आपके बीच में, जैसे कि वीडियो री एग्जाम के एडमिट कार्ड के बारे में बताएंगे आपको, लैब असिस्टेंट झारखंड लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती इस पर भी आपसे चर्चा करना है, यूपी ट्रिपल एससी में कई नोटिफिकेशन जारी होने वाले उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बताएं, उसके पहले झारखंड की दो बड़ी खबरें हैं, एक है पीजीटी की और एक है लैब असिस्टेंट की। इन दोनों को अलग वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है और यहाँ पे भी हम आपको इसके बारे में साझा करेंगे। झारखंड में यदि आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड में ये सभी क्लासेस आपके लिए हैं, जैसे कि एनसीईआरटी सार की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार इसकी क्लासेस चल रही और 30 जून को आपको मिल जाएगी एक मैराथन क्लास, जो कि आपकी पूरी साइटोलॉजी होगी, यानी जूलॉजी और बॉटनी की पूरी साइटोलॉजी पर आधारित एक कंप्लीट आपको मैराथन क्लास मिलेगी, जिसका नाम ही है कि एक नज़र सब कवर। एक ही बार में पूरी क्लास कवर होगी, चाहे जितने भी घंटे की क्लास हो, 30 तारीख को क्लास आपको मिलने वाली है पूरी साइटोलॉजी की कंप्लीट, और उसमें से सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे, इस बात का भरोसा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे उसका लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीडियो री एग्जाम की। वीडियो एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका 18 या 19 तारीख को जारी हो जाएगा। ये आपको जो अफवाह फैलाई जा रही डेट आपका एग्जाम नहीं होगा, डेट टलेगी या क्या कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एग्जाम फिक्स डेट पे होगा, 26 और 27 को जो डेट फिक्स है उसी डेट पे आपके पेपर होंगे। हर एक ज़िले के विद्यालयों पर सूची पहुँच चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वहाँ पर लगभग डाटा भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप मान के चलिए कि अगर स्कूलों में लिस्ट पहुंच चुकी है, स्कूलों का डाटा मेंशन किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि डेट आपकी टलने वाली किसी कीमत पे नहीं है। 26 और 27 को पेपर होगा, 18 या 19 को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 18-19 में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड की नोटिस या उसके पहले आपको पहले शहर की जानकारी आपको दी जाएगी और एडमिट कार्ड आपका 1-2-3 दिन पहले जारी होगा। तो हो सकता है कि आप शहर की नोटिफिकेशन आज या कल में ही जारी हो जाए, 18-19 में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये आप मान के चलिए, ये बड़ी जानकारी यूपी के जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं वीडियो री एग्जाम के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा है जून के लास्ट सप्ताह में है, और आज अगर आप ध्यान से देखें तो आज आपका 15 जून बीत चुका है, अभी तक कोई भी डेट आपके सामने नहीं आई है, यानी एग्जाम की डेट तक निर्धारित नहीं है। अब कुछ लोगों का मानना है कि 30 तारीख को पेपर हो सकता है, 30 जून को पेपर हो सकता है, ऐसा एक मान्य है कि माना जा रहा है 30 को पेपर होगा। अगर 30 को पेपर होगा तो 10 दिन पहले आपको ज़िले की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें ये पता चल जाएगा कि आपको किस ज़िले में आपका पेपर होगा, ताकि जो आप दूर से हैं तो आप अपने ज़िले पे जाने के लिए टिकट बुक कर सकते हैं या अपनी जो भी सुविधा है वो सुविधा के हिसाब से जा सकते हैं। तो अगर 20 तक आपका एडमिट कार्ड आ गया तब तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये डेट दोनों, जब पहली बार डेट आई थी तब भी मैंने कहा था कितना जल्दी पेपर संभव नहीं, डेट आपकी टलेगी, और डेट मेरे हिसाब से जुलाई में जो है, जुलाई के 10-12 तारीख तक आपका लैब असिस्टेंट का पेपर होगा, और अगस्त में 10-12 अगस्त तक आपका जो है पीजीटी का पेपर होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी की कई ऐसी नोटिस है, कई ऐसी वैकेंसी जो कि जारी होने वाली, जैसे कि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है आपका, कुछ लोगों का पोस्ट तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो गई। कई रोज अगर यूपी ट्रिपल एससी देखिए तो रोज आजकल कार्यरत हो गया, रोज कोई ना कोई नोटिस जारी हो रही है। तो आप कई पेंडिंग परीक्षाएं हैं उनके पेपर होने वाले हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे का, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी, किसी की टाइपिंग बाकी, किसी कुछ बाकी, किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब तेज़ी से काम आगे की दिशा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा, तो मान चलिए कि अब जब बहुत जल्दी वैकेंसी भी आ जाएगी। मैंने आपसे कहा था जून के 2nd सप्ताह के लास्ट तक आपको वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिल जाएगी, हालाँकि अभी आई नहीं है, लेकिन वैकेंसी आपको हो सकता है जून के लास्ट तक आ जाए। वैसे तो इस बार गलत होता हुआ प्रतीत हो रहा है, नहीं तो जून के 2nd सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन कुछ लेट है नोटिफिकेशन आपका जूनियर असिस्टेंट का, और भी अन्य पदों का नोटिफिकेशन, जैसे कि लोअर पीसीएस का एक बड़ा पद है, बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, लगभग 600 पदों पर वैकेंसी होनी है, तो ये एक बड़ी भर्ती है, लेकिन अब लगता है कि नए पेट के बाद आएगा, पेट 3 के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ठीक है, जो आपके सामने है उसके बारे में आप देखते रहिए।
अभी बहरहाल इससे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। यूपी टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, तो यहाँ पर मामला बहुत दुविधा में है। यूपी टेट और सुपर टेट अब जब तक कि नया आयोग कार्यरत नहीं होगा तब तक इनकी कोई भी नई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही, बस अफवाहों पर सारे मैटर चल रहे हैं, सच्चाई की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और आपके एग्जाम डेट, हाँ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे मित्र जुड़े हैं साथ में हमारे साथ, उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है कि झारखंड का पेपर पहले हो रहा है, तो कई ऐसे पेपर हैं जिसका हम कंप्लीट रिवीजन आपका लेके आ रहे हैं, मतलब कंप्लीट कह सकते हैं मैराथन। तो साइटोलॉजी का मैराथन आपको 30 जून को मिलने वाला है, तो 30 जून को अगर आप तैयार रहेंगे तो 30 जून को आपका एक बार क्लास हो जाएगी और फिर आपके समय में भी रिवीजन होगा, तो उस समय भी आपको मिल जाएगा, तो दोहरा लाभ आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर इसका लाभ उठाइए 30 जून को। सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये पूरा मामला है, ये आप देख रहे हैं, अब इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। झारखंड प्रवक्ता का, एनसीईआरटी का वीडियो लगातार आपका चल रहा है, आप देखते रहिए, आप सबके लिए लाभदायक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।